सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द ल्यूकॉम सीरीज अगेन। तो ऐसे तो नहीं जाने देंगे, आपको भी पता है कि आपको ऐसे कैसे छोड़ देंगे, गेट 22 तक हाथ पकड़ के खींच के ले जाएंगे जबरदस्ती अगर आप नहीं जाना चाहेंगे तो भी। तो गाइज, तो बस आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशन है, मैंने बंद इसीलिए किया था क्योंकि मैं यार देखना चाहता हूँ कि वो शिद्दत होनी चाहिए उस चीज़ को पाने के लिए। तो वो शिद्दत आप लोगों में नहीं दिखी, मैंने बंद कर दिया। जब आप बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज किए, कमेंट किए, कॉल किए, वीडियोस में मैसेज किए, है ना, कमेंट बॉक्स में मैसेज किए, सब जगह मैसेज किए, तब जाके मेरे को लगा कि ठीक है, नाउ इट इज़ फाइन कि आप ल्यूकॉम वाटर के लिए, कुछ लोग हैं जो जिन लोगों के लिए डेली ये टास्क हो रहा था। तो चलिए आइए बातें स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैंने देखिए जरा यहाँ से मैं कहाँ से आपकी बातों को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दी, मैंने अभी तक एक्स्ट्रा वाइडनिंग के बारे में बता दिया था, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक ट्रांजिशन कर्व। अब देखो मैंने यहाँ पे कितना परफेक्टली फ्रेम किया है ट्रांजिशन कर्व। आज का लेक्चर हो सकता है माइट बी 9 मिनट से 8 मिनट से ज्यादा जाए, बिकॉज क्योंकि बहुत दिन बाद पढ़ रहे हैं एंड आई जस्ट वॉन्ट की ट्रांजिशन कर्व एक ही लेक्चर में आए ताकि डिवीजन ना आए पार्टीशन में। मैंने देखिए जरा यहाँ पे वाई इज द कंसर्न कि क्यों ट्रांजिशन कर्व को यूज किया जाता है। तो मैंने लगा इट इज यूज टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करने के लिए ट्रांजिशन कर्व। मैंने बोला ये इतनी परफेक्ट डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैंने आपके रीजंस बता दिए कि ट्रांजिशन कर्व का क्या रीजन है। तो क्यों प्रोवाइड किया जाता है, वाई, तो इट इज प्रोवाइडेड टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फाइन, वेयर, कहां प्रोवाइड किया जाता है, तो इट इज प्रोवाइडेड इन बिटवीन द स्ट्रेट कर्व एंड सर्कुलर कर्व। स्ट्रेट कर्व और सर्कुलर कर्व के बीच में प्रोवाइड किया जाता है। एंड व्हाट इज द रीजन, तो मैंने ना रेडियस चेंजेस फ्रॉम ग्रेजुअली, व्हाट हैपेंड व्हेन ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड, तो व्हेन ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड रेडियस चेंजेस ग्रेजुअली फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, तो यही आपको बातें देखने को मिलेगी। मैंने बोला इसका ट्रांजिशन कर्व का आप डायग्राम देख सकते हैं एक बार, तो वहां पे क्या हो रहा होगा, रेडियस चेंज हो रही होगी इन्फिनिटी से आर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरेक्ट करने के लिए आपने इस ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड किया था। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में। मैंने अगर आपको ये बात समझ में आई तो एग्जाम्स में बहुत जगह आपको क्वेश्चन दिखेगा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाई यू आर प्रोवाइडिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी, व्हाई यू आर प्रोवाइडिंग ट्रांजिशन कर्व। तो ऑब्जेक्टिव बोलता है टू रिड्यूस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैंने ये आपको पीछे लिख दिया था, इसलिए मैंने केवल यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिख रखा है। ठीक है, तो टू काउंटरैक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेकंड इज टू अवॉइड द सडन जर्क, व्हाटएवर द सडन जर्क दैट योर ड्राइवर इज गोइंग टू फेस, अगर हम ट्रांजिशन कर्व नहीं प्रोवाइड कर रहे तो ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड टू अवॉइड द सडन जर्क। इट इज टू इंट्रोड्यूस द सेंटर, इंट्रोड्यूस सुपर एलिवेशन। ठीक है, आपके सुपर एलिवेशन को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, और एक्स्ट्रा वाइडनिंग ग्रेजुअली। तो आपने एक्स्ट्रा वाइडनिंग जब प्रोवाइड करी थी, आपने देख लिया था कि कैसे एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करी जाती है स्ट्रेट कर्व से लेके रेडियस ऑफ कर्व आर के लिए। ठीक है, सर्कुलर कर्व के लिए, एंड टू इंप्रूव द एस्थेटिक अपीयरेंस। ये चार मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपने देखे। मतलब इसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व के बारे में बात करेंगे। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व यूज, तो मैंने लगा यहाँ पे तीन टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व देखेंगे आपको। वन इज स्पाइरल, जिसको आप क्लोथोइडल कर्व भी बोलते हो। सेकंड इज वर्नालिस लेमिनिस्केट कर्व, एंड थर्ड इज क्यूबिक पैराबोला कर्व। तो ये तीन टाइप के ट्रांजिशन कर्व आपको देखने को मिलते हैं। मैंने अगर यहाँ पे नोट डाल के मैंने आपको एक बात लिख रखी, तो दिस इज ऑब्वियसली इट इज इंपॉर्टेंट एज पर द गेट एग्जामिनेशन। तो आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व की बात करिए, तो आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो आपको देखने को मिलता है वो स्पाइरल या क्लोथोइडल आपको देखने को मिलता है। सुनिए, यहाँ पे बात करिए लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की बात करिए, तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के बराबर, रेडियस ऑफ कर्व के बराबर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्व अगर ज्यादा रहेगा तो आपको ट्रांजिशन कर्व की लेंथ छोटी प्रोवाइड करना पड़ेगी, अगर रेडियस ऑफ कर्व कम रहेगा तो ट्रांजिशन कर्व आपको ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आई। मैंने देखो जरा यहाँ पे मैंने आपको और भी कंडीशंस को ऐसे डिवाइड किया है जिस तरीके से वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है एट जंक्शन ऑफ स्ट्रेट एंड ट्रांजिशन कर्व, जहां पे स्ट्रेट एंड ट्रांजिशन कर्व मिल रहे होंगे वहां पे स्ट्रेट कर्व के लिए रेडियस इन्फिनिटी होगी, और अगर रेडियस इन्फिनिटी होगी तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व वहां पे जीरो होगा। ठीक है, एलएस की वैल्यू जीरो होगी, और एट अ जंक्शन जहां पे ट्रांजिशन कर्व और सर्कुलर कर्व मिल रहे होंगे वहां पे रेडियस आर में कन्वर्ट हो रही होगी, तो आपका जो ट्रांजिशन कर्व रहेगा वो वी क्यूब बाय सी आर रहेगा। और मैंने लगा ये जो वेलोसिटी रहती है ये मीटर पर सेकंड में रहेगी। मैंने लगा ये वेलोसिटी किस में रहेगी, तो आप बोलेंगे ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में रहेगी। ठीक है सर, ये बात समझ में आई। अगर आपको ये बात समझ में आई तो देखिए नेक्स्ट बात को दिखाता हूं आपको। तो नेक्स्ट बात दिख रही है आपको, जर्क बोला जाता है। जर्क क्या होता है, सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड जर्क इज इक्वल टू वी क्यूब बाय सी आर। यहां पर भी ये स्मॉल वी देखने को मिलेगा, एंड यहां पे यूनिट जो रहेगी वो मीटर पर सेकंड्स में रहेगी। मतलब जर्क के लिए सी की यूनिट्स की बात करी जाती है, तो सी क्या होता है, बोला सी को जर्क बोलते हैं, इट इज मीटर पर सेकंड क्यूब में रहता है ये आपका।
और आपको रेडियस में बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट मैंने आपसे बात करी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की, तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व आपको निकालने को जरूर आएगा गेट एग्जामिनेशन में। तो मैंने बोला लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालना सिखाने से पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि हम तीन केस से लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालेंगे, लेकिन उन तीनों केस में से हम उसकी बात करेंगे कि जो भी इनमें से मिनिमम वैल्यू मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व पूछेगा, तो मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन क्या हुई जो भी इन तीनों केस में से मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मैंने बोला क्या कोई पूछेगा मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या, तो ये जो तीन केस में आगे आपको सिखाने वाला हूं उन तीनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट वुड बी योर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो डोंट एवर गेट कंफ्यूज्ड कि मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, नहीं, मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कितनी होती है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस गिवन थ्री कंडीशंस, ठीक है। तो पहली कंडीशन बोलती है ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू वी क्यूब बाय सी आर के बराबर। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी जो होती है मीटर पर सेकंड में होती है, सी जो होता है मीटर पर सेकंड क्यूब में होता है, आर आपका मीटर्स में होता है। मतलब यहाँ से जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व आती है वो भी मीटर्स में आती है आपकी। यहाँ पे अगर सी की बात करोगे जर्क को बोलोगे तो जर्क को हम लोग बोलते हैं 80/75 प्लस वी, कैपिटल वी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है पर kmph में, ठीक है। मतलब सी की जो जर्क की वैल्यू है वो जनरली कहां से कहां लाई करती है, बोला 0.5 से 0.8 के बीच में लाई करती है। तो ये हुई पहली कंडीशन जिससे आप एलएस की वैल्यू निकालोगे। नेक्स्ट मैंने बात करी ये है सेकंड कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग, तो इसमें केस वन बोलता है व्हेन पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट द सेंटर। जब हमने पेवमेंट को क्या किया सेंटर के अबाउट रोटेट किया है तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कितनी होगी, तो इट इज ई एंड डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई बाय टू। W E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बोला यहाँ से विड्थ ऑफ लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। E सुपर एलिवेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और N आप जानते हो एज पर दी कंडीशन रोलिंग टेरेन के लिए अलग होता है और माउंटेनियस टेरेन के लिए अलग आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली व्हेन पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट द इनर एज, जब पेवमेंट को इनर एज के अबाउट रोटेट करते हैं तो दिस वैल्यू इज जस्ट डबल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी, इसका डबल हो जाएगा, तो दैट इज एल एस इज इक्वल टू ई एंड डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई के बराबर। तो ये है आपकी सेकंड कंडीशन जिससे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालेंगे। एंड द थर्ड कंडीशन इज इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला में लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की आपने बात करी, तो दिस लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू 2.7 कैपिटल वी स्क्वायर बाय आर। मतलब यहां पे जो आपकी वेलोसिटी है वो kmph में है। मतलब यहां पे जो आपकी वेलोसिटी है वो किस में है, kmph में है। तो यहां पे बात करी किसके लिए, फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए बात करी। तो यहां पे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व किसके लिए हम लोगों ने बात करा, ये फॉर्मूला फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए। अगर हम हिली टेरेन की बात करेंगे तो दिस एल एस इज इक्वल टू किसके बराबर, वी स्क्वायर बाय आर के बराबर, ओनली वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। तो इन तीनों केस से आप क्या करेंगे, ट्रांजिशन कर्व का लेंथ निकालेंगे। तो इनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट इज योर मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो आप प्रोवाइड करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजिशन कर्व। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल जो आने वाला है आपका टॉपिक, कल जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे। आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू शेयर इट एज मच एज पॉसिबल, लाइक इट एज मच एज पॉसिबल एंड कमेंट, ठीक है। तो आपको इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा बोला करके, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी अ बून फॉर यू, ठीक है। आपको मजा आ जाएगा जब आप देखोगे, जब आप वापस से रिवाइज कर रहे होगे सब्जेक्ट को एक बार पढ़ने के बाद, यू विल फॉल इन लव कि सर आपने क्या प्रोवाइड कर दिया है कि हम 4-5 घंटे में पूरा ट्रांसपोर्टेशन रिवाइज कर ले रहे हैं। तो मेक श्योर आप इस बात को समझें, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, ठीक है। मैं सिर्फ इतना ही चाहता था अभी तक कि आप लोग एक बार समझे कि इसकी वैल्यू क्या है, तभी हम मैंने इस चीज को रोकी थी। अब मैं वापस से इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। तो सी यू गाइस टुमारो विद सेम वीडियो विद सेम कंसर्न फिर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। टिल देन बाय बाय।